जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार पुलिस हेड कांस्टेबल। अगर आप भी कांस्टेबल पद के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे बिहार पुलिस के नए वैकेंसी का, तो फाइनली वो आ चुका है। 21,391 पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन आवेदन का तिथि आ चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कब से लेकर कब तक आवेदन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना पैसा लगेगा और क्या चयन प्रक्रिया रहने वाला है। सभी जानकारी के लिए सबसे पहले अपने गूगल को ओपन कीजिए, सर्च कीजिए लिख के टेक्टोन जॉब। जैसे यहाँ पर मैं लिख सर्च किया हूँ टेक्टोन जॉब, आपको भी लिख के सर्च करना है। सारा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ कब से लेकर कब कब क्या होने वाला है। ये पहला वेबसाइट दिखेगा, सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको टेक्टोन जॉब वेबसाइट का इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। सिंपल आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट में दिखाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 देख सकते हैं। 21,391 पोस्ट, सिंपल आप इस पोस्ट पर क्लिक कीजिएगा, इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा डिटेल जो है वो खुल के चला आएगा। दोस्तों जब तक लिंक खुल रहा है उससे पहले मैं बता देता हूँ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल जाएगा, सारा डिटेल दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं देख सकते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आपका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का आर्टिकल है, पोस्ट जो है कुल पोस्ट है वो 21,391 है। योग्यता 12वीं पास है, 12वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो शुरू होगा, आवेदन ऑनलाइन अप्लाई शुरू होना वो 20 तारीख से शुरू होगा, 20 जून से शुरू होगा। आवेदन का अंतिम तिथि 20 जुलाई रखा गया, 1 महीना का आपका टाइम दिया गया है, डेट नहीं बढ़ेगा, आपको इसी बीच में ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करिएगा, आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो देख सकते हैं जो आपका मेल कैंडिडेट है उसके लिए 13,488 पोस्ट है कांस्टेबल के लिए, और फीमेल के लिए जो है लगभग 8,000 है, मतलब कि 7,903 है। टोटल पोस्ट 21,391 है, योग्यता 12वीं पास है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ऑनलाइन अप्लाई में ये सब देख सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा। ऑनलाइन अपना में कितना पैसा लगेगा तो देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको नोटिस भी दूंगा, ऑफिशियल नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ आगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अनरिजर्व कैंडिडेट ओबीसी ईबीसी को 675 रुपया लगने वाला है, और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट को 180 रुपया लगने वाला है। नीचे आइएगा तो नोटिस का मैं कुछ हु बहु दे दिया हूँ इस पर। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपका देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई का लिंक 1, लिंक 2 दिया गया, लिंक अभी एक्टिव नहीं किया गया, 20 जून को लिंक एक्टिव होगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया, देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड क्लिक हेयर का, क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है आपका नोटिफिकेशन, लगभग 15 पेज का ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, मैं आपको मेन पॉइंट बता दिया हूं क्या क्या होने वाला है, अदरवाइज ये नोटिफिकेशन खुल रहा है देख सकते हैं, सारा डिटेल दिया गया है। आज का यह नोटिस है केंद्र चयन पार्षद सिपाही भर्ती, और देख सकते हैं कितना आपका तनख्वाह वगैरह मिलने वाला है, देख सकते हैं आपका रिक्त पद जो है वो 21,391 है। सारा डिटेल दिया गया, किस पोस्ट के लिए आवेदन हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे, क्या ऊंचाई क्या है, क्या की मांगा जाएगा, सब पढ़ सकते हैं अपने से। मेन पॉइंट मैं आपको बता दिया हूं। बस न्यूज यही है कि आपका नया वैकेंसी आ चुका है बिहार पुलिस का 21,391 पोस्ट के लिए। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।